करनाल के सेक्टर 7 स्थित मार्केट में विकास कार्यों को हरी झंडी मिल गई है। आपको बता दें कि सड़क के सुदृढ़ीकरण, प्लांटेशन, पार्किंग का नवीनीकरण और सामुदायिक केंद्र में डिजिटल लाइब्रेरी तथा बच्चों व वृद्धों के लिए डे केयर सेंटर खोले जाने के बाद इस एरिया की कायाकल्प होगी। मंगलवार को सांसद संजीव भाटिया, महापौर रेणुबाला गुप्ता ने इन कार्यों का शुभारंभ करवाया। नगर निगम की ओर से मार्केट के सड़क को सुदृढ़ बनाने के लिए खस्ता हालत की सड़कों की मिलिंग करके उस पर प्रीमिक्स बूटीमिन कंक्रीट व कारपेंटिंग कर उसे चलने फिरने व यातायात के लिए बेहतर बनाया जाएगा। सड़क पर बने डिवाइडर पर हरियाली युक्त खूबसूरत दिखने वाले पौधे लगाए जाएंगे। यही नहीं, इस क्षेत्र में उपलब्ध 3 पार्किंग स्थलों का नवीनीकरण भी किया जाएगा। इन कार्यों से यहां रह रहे लोगों को सुविधा मिलेगी और उनका रहन सहन सुकून भरा होगा। इन कार्यों पर नगर निगम की ओर से अनुमानित 30 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इससे जनता को सहूलियत मिलेगी। सेक्टर 7 स्थित सामुदायिक केंद्र में नगर निगम की ओर से एक डिजिटल पुस्तकालय खोलने के कार्य को भी सांसद व मेयर ने आज हरी झंडी दिखाई है और इस कार्य पर आज से ही काम शुरू हो जाएगा। डिजिटल लाइब्रेरी में विद्यार्थियों व प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे युवाओं को डिजिटल पुस्तकों के साथ साथ टेस्ट बुक और कंपटीशन बुक्स उपलब्ध होंगी। सामुदायिक केंद्र में छोटे बच्चों व वृद्धों के लिए डे केयर सेंटर बनेंगे। बच्चों को लाइब्रेरी में बैठकर कॉमिक्स और अन्य रोचक व ज्ञानवर्धक साहित्य पढ़ने को मिलेगा। वहीं वृद्धजन भी डे केयर सेंटर में आकर अपने आप को शहर की भीड़भाड़ से दूर सुकून भरे वातावरण में बैठकर पुस्तकें पढ़ेंगे। डिजिटल लाइब्रेरी सामुदायिक केंद्र के प्रथम तल पर बनाई जा रही है। बतौर मेयर लाइब्रेरी का काम अगले 2 से 3 महीनों में और सड़क के कार्य इसी सप्ताह में मुकम्मल कर लेने की उम्मीद है। इन कार्यों पर अनुमानित 50 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। एक ये 500 मीटर की मेन रोड है, साइड रोड है, 2 पार्किंग है। ये आज प्रोजेक्ट था, मुकेश अरोड़ा जी ने बुलाया था और हमारी बहन ने इसका उद्घाटन करा है, रेणुबाला मेयर ने। और मैं समझता हूँ कि सब लोग बहुत मेहनत करने वाले हैं और जो नेसेसिटी है समाज की, और आज ये मैंने इतना स्नेह देखा, इतने बुजुर्ग और हमारे परिवारों के लोग इतना आशीर्वाद देने के लिए आए हुए थे। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इस मौके पे इन्होंने मेरे को याद किया और मैं यहाँ पर हूँ। मैं वैसे भी 3 दिन करनाल में बैठता हूँ, तो आज का दिन मेरा करनाल का था। मुकेश जी ने कहा अगर आप आ जाओगे तो मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ पर आकर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जिस तरह से करनाल में विकास के कार्य चल रहे हैं, इस वैश्विक महामारी में भी आप देख रहे हैं कि सेक्टर 7 में चाहे पार्किंग है, चाहे यहाँ पर सड़क है, इसके साथ साथ डिजिटल लाइब्रेरी की एक डिमांड थी हमारे भाई मुकेश अरोड़ा जी की, उसे पूरी किया जा रहा है ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। यहाँ पर अभी जो कम्युनिटी सेंटर है उसमें एसी लगवाने की भी बात हुई है। हमारे सांसद महोदय का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि हमारे कम्युनिटी सेंटर में एसी लगवा रहे हैं। और इस तरह के विकास के कार्य जहाँ भी लोगों का हमें पूरी तरह सहयोग मिलता है, हम पूरे शहर में करवाते हैं। बाकी वैसे ही विकास होते रहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही विकास होते रहेंगे, पर अभी जैसे वैश्विक महामारी है तो सबसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें इस तरह। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.